नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं? क्या आप भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, कहीं मिल नहीं रहा है? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ढूंढते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है प्रोसेस, नया रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, पूरा एक ही वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए लाइव आपको हम दिखाते हैं करके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आ गए हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में हम डालेंगे यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप डालेंगे तो यहाँ पे फॉर्म पड़ गया, फॉर्म आपको नहीं डालना है, सिर्फ यूपी स्कॉलरशिप डाल देना है। तो पहले नंबर पर ही आएगा स्कॉलरशिप डॉट यूपी डॉट जी वी डॉट इन। आपको ध्यान देना है कि वेबसाइट यही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पहले तो फाइंड करने का ऑप्शन रहता था कि हम अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, बट इतने समय जो है अभी जब से योगी सरकार आई है तब से ये ऑप्शन हटा दिया गया है। नहीं, इसके पहले जो था ऑप्शन रहता था रजिस्ट्रेशन नंबर हम फाइंड कर लेते थे। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो तरीके बचे हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि आप अपने कॉलेज में जाके वहाँ से पता कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्म भरा था। लेकिन वो प्रोसेस है कि अगर आपके कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में बोलेंगे तो आपको ढूंढ के दिया जाएगा, लेकिन वो मुश्किल है, सबके सबको तो ढूंढ के बहुत मुश्किल है देंगे। तो इसलिए यहीं से कोशिश करते हैं कि हमें आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है स्टूडेंट पोर्टल पे। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन मिलेगा। तो हम रिन्यूअल कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। एस सी एस टी जनरल यहाँ पे आएंगे, ओबीसी और ओबीसी वाले यहाँ से, अल्पसंख्यक वाले यहाँ से। हम रिन्यूअल वाले हैं लेकिन हमें रिन्यूअल वाले यहाँ पर नीचे रिन्यूअल का ऑप्शन है, इस पर नहीं करना है, क्योंकि इस पर अगर हम जैसे क्लिक करेंगे, मान लिया हमने बीए या एमए का भरना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तब। देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के हम कुछ नहीं कर सकते। पासवर्ड तो हम फॉरगेट कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से होम पेज पे जाएंगे, यहीं से रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज करना है। तो हम ओबीसी हैं और अदर देन इंटरमीडिएट है, बीएड का फॉर्म हमने भरा था उसके लिए है यहाँ पे बीएड, जो फर्स्ट ईयर हो गया है सेकेंड ईयर के भरने के लिए। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन अपना फिर से करेंगे। हमें फिर से करना नहीं है लेकिन हम फिर से करेंगे क्योंकि हमें पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना है। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो भी जिला, जो भी शिक्षण संस्थान, जो जो डिटेल आपने पिछले फॉर्म में डाला था, सेम टू सेम वही मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ से अपना रायबरेली चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से अपना शिक्षण संस्थान चूज कर लेना है, फिर यहाँ से आपकी कैटेगरी चूज करनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और यहाँ से आप लोग रिलीज या घूम रहा है, जब ये घूम जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। वीडियो लंबी ना, इसलिए थोड़ा सा रोक के इसे हम फिल कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ सब कुछ आप भर ही लेंगे, यहाँ पे लिंक भरा जाएगा, यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद, यहाँ से बोर्ड रोल नंबर इसमें नहीं भरा जाएगा, इसमें वाले में भरा जाएगा। यहाँ विद्यालय का नाम आपको भरना जरूरी है लेकिन जरूरी नहीं कि आप पूरा भरें, ए बी सी डी कुछ भी डाल दीजिए। देखिए मैं चलिए भर के देख लेता हूँ। यहाँ से हिंदू, यहाँ पे आपको एकदम हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार डालना है। माता का नाम यहाँ पे डाल देना है।
जब तक सेम टू सेम आपको जो कि यहाँ तक का हाई स्कूल के रोल नंबर तक का डिटेल आपको सेम टू सेम मैच करना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है यहाँ से बोर्ड देखिए, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लाल हो जा रहा है, यहाँ पे फिल करने का दे ही नहीं रहा, तो इसी में भरा जाएगा। उसके बाद देखिए मैं विद्यालय का नाम पूरा नहीं डाला हूँ, मैं सिर्फ छोटा डाल दिया हूँ। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इस बार ये ऑप्शन आ गया कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इससे पहले नहीं था। अगर आपका लिंक नहीं है तो आप यहाँ से लिंक करवा सकते हैं, आपके आसपास कहीं आधार केंद्र पर जाके वहाँ से लिंक करवा लीजिए। यहाँ पे पासवर्ड आपको 8 से 12 करेक्टर का डालना है, हमने पिछला एक वीडियो बनाया है उसमें बताया हुआ है कैसे डालना है, तो यहाँ से मैंने पासवर्ड डाल दिया। ये सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। मैं सारा डिटेल भर के फिल कर लिया, उसके बाद चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है, नहीं दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन यू आर ड्यू टू रिन्यूअल कैटेगरी यू और योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। आ गया कि नहीं, हम भी बहुत परेशान हुए थे, तो हमने जो है एक तरीका खोज के निकाला है, और कोई तरीका मिलना है यहाँ पे है नहीं ऑनलाइन कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं से ढूंढ सकें। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दे दिया कि आप रिन्यूअल कैटेगरी के हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी करके कहीं पर रख लेंगे, या फिर अपना नोट करके कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन अब सही से रजिस्ट्रेशन कर